नो फार्मर नो फूड, ये बैनर आपने पहली बार नहीं पिछले 10 से 11 महीनों में कई बार देखा होगा। और ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे जम्मू नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जहां जहां किसानों ने आह्वान दिया भारत बंद का, चाहे रोड ब्लॉक किया गया, बॉर्डर सील किए गए, बॉर्डर को ब्लॉक किया गया, वहां पर ऐसे ही नन्हे मुन्ने बच्चे आपने देखे होंगे। और जम्मू की अगर बात करें तो आज पूरे भारत में जहां भारत बंद का आह्वान जो है वो दिया गया था, जिसके चलते जम्मू की अगर बात करें सुबह से ही प्रदर्शन जो थे वो किए जा रहे थे, किसानों के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। और अब इस समय तस्वीरें जो हैं वो आपको मैं डिगियाना से दिखा रहा हूँ। हम डिगियाना मेन हाईवे के ऊपर हैं। इस समय किसान आंदोलन जो है उसके चलते जो भारत बंद की कॉल फार्मर्स द्वारा की गई थी उसका समर्थन जम्मू के लोगों का भरपूर जो है उन्हें मिलता हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम लोग, हमारी माताएं बहने, साथ में हमारे वीर जो है वो सड़कों पर हैं। और किस तरीके से आज जो है वो पूरा समर्थन जो है भारत बंद का दे रहे हैं, क्योंकि इन सबका एक मत एक कहना कि जब तक वो तीन काले कानून जो बनाएंगे बिना किसी विचार विमर्श के और जब तक वो वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम जो ही डटे रहेंगे, ना कदम पीछे हटाए जाएंगे ना हम पीछे हटेंगे। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हम जो ही सड़कों पर उतरेंगे, हम जो ही किसानों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ा रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग, और पीछे भी दिखाना चाहूंगा, विजुअल दिखाना चाहूंगा, पूरा समर्थन जो है वो जम्मू के लोगों का जो है वो किसान आंदोलन को मिलता हुआ। और किसान जो है वो डटे हुए हैं, तमाम बॉर्डर्स को सील किया गया है, तमाम सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। जम्मू की अगर बात करूँ सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम जो है वो किया गया है। और मैं अगर आपको बताना चाहूंगा जीवल से अगर आप आ रहे हैं, अगर आप जीवल से आ रहे हैं तो जीवल से लेके यहाँ तक अगर डिगियाना तक आएंगे तो पीछे से रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, तमाम लोगों को डाइवर्जन दिया गया है कि आप यहाँ से ना होते हुए बाहर से चले जाएं। लेकिन तमाम लोग और जो जहाँ पर स्पीकर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखनी है वो सामने मंच पर हैं, बाकी बैनर तले जो है वो यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। और इस बात बंद के आह्वान के चलते आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये कैसे इस बात बंद को जो है वो देखते हैं। लेकिन बाकी लोग भी हमसे भी बात करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? गोविंद राय जी। गुरु गोविंद, आप आज यहाँ बैठे हो, आपको नो फार्मर नो फूड का बैनर है, क्या कहना चाहोगे? आज आप नो फार्मर नो फूड का बैनर लेके जहाँ बैठे हो, मोदी जी ने तीन कानून बनाए थे, आप सभी क्या चाहते हैं कि उस कानून को वापस लिया जाए, क्या कुछ कहना चाहोगे अगर मोदी जी ये वीडियो देख रहे हैं? गोविंद राय जी ने तीन कानून बनाए कि उन्हें वापस लिया जाए, यही कहना पिताजी संसार दे। छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी आवाज जो है वो उठेगी। और भी लोग यहाँ पर हैं, सभी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, 10 महीने से ज्यादा समय हो गया है, प्रधानमंत्री जी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस नारे के साथ वो चले थे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कहा कि इस कानून को भी लागू नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी अभी तक जो है कमेटी नहीं बिठाई गई। स्वामीनाथन कमेटी जिसकी चर्चा बीजेपी ने की थी अपने कार्यकाल में, उस कमेटी का आज कहीं नामो निशान नहीं है। चर्चा की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, किसानों को मत में लाना चाहिए, उनकी सहमति के साथ कोई चीज अगर आप कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो पहले उनका विश्वास हासिल करना बहुत बड़ी बात है। और 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, किसान डटे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? 10 महीने से नहीं भैया, 1 साल हो गया, 2 महीने उन्होंने पंजाब में भी लगाए थे और आप खुद देख लो कितनी बड़ी जंग है यार। ये किसान आज भी बेचारे उधर चुपचाप करके बैठे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा लिया किसानों को उठाने के लिए, पर कहते हैं ना सच्चाई की जीत होती है हमेशा, और ये किसानों की जीत ही होगी। 2024 आ गया पास में, 2022 में इलेक्शन है पंजाब में और उसके बाद फिर यूपी में है, सब पता चल जाएगा। ममता बनर्जी अकेली लेडी है, मेरी 30 साल की एज में मैंने पहली लेडी देखी जिसने पीएम के साथ डायरेक्ट टक्कर ली है, अदरवाइज किसी सीएम ने टक्कर नहीं ली, क्योंकि सारे लीडर क्राफ्टर थे और वो लेडी ने एक साड़ी में सारी उम्र निकाल दी और एक चप्पल में उम्र निकाल दी। आज अगर ममता बनर्जी जीती है ना वहां से,
बंगाल से, तो सच्चाई की जीत जीती है भैया। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, सारी लीडरशिप आप खुद देख लो यार, जम्मू में पंचायती इलेक्शन होती है, यहाँ पे पीएमओ साहब आ जाते हैं कंपेनिंग करने के लिए, कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं। यार आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप पंच भी बन सको अपनी मर्जी से? बताओ ना मुझे, अब इलेक्शन आ जाएगी आपको खुद पता चल जाएगा, सेंटर से मिनिस्टर आ जाएंगे, वहां से मिनिस्टर आएंगे हमारे जम्मू वाले। भैया मैं जम्मू वालों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ, जाग जाओ, और अगर आज किसानों का साथ दोगे तो कल किसान हमारा भी साथ देंगे। मैं दिल्ली धरने पे गया था ना जब, तो मैंने वहाँ पे यही सवाल किया था पंजाबियों से कि हमारे भी 370 तोड़ दी थी मोदी साहब ने, ऐसे तानाशाही गवर्नमेंट करके डिक्टेटरशिप, कहते आप लोग गलत हो, आपने बोले नहीं, अगर आप बोलते यहाँ से पंजाब भी आ जाता, वहाँ से हिमाचल भी आ जाता, हरियाणा भी आ जाता, और नेचुरली बात है जम्मू वाले नहीं बोले, श्रीनगर वाले आज भी सेफ बैठे हैं, 2 साल बंद रहा है, 2 साल उन्होंने खाना भी खाया, जिंदगी भी जी है और गवर्नमेंट का साथ भी दिया है, ठीक है। बट आज जम्मू में मुझे आप ये बता दो, जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जम्मू के साथ भेदभाव क्यों होता है? पहले 70 साल कांग्रेस ने किया, तब कश्मीर के बारे में सोचते थे, अब 7 साल बीजेपी आ गई, अभी भी कश्मीर के बारे में सोचते हैं ना, अभी कौन सा जम्मू के बारे में सोचते हैं? कौन से 28 MLA हमारे जम्मू के जिन्होंने रिलायंस का वो किया, कौन से MLO ने किया? और आज भी वाइन शॉप कश्मीर में एक भी ओपन नहीं हुई है भैया, ना रिलायंस स्टोर ओपन हुए और ना ही उन्होंने प्रॉपर्टी दी है, बहुत अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे कश्मीरी गलत हैं, पर जैसे हम भी गलत हैं, कश्मीरी भी थोड़े गलत हैं, बट सारे सच्चे हैं, ये नहीं है कि कश्मीरी सारे गलत हैं, जिन पे बीती है ना उनको पता चलता है भाई, और हमारे भी बीती है। आज देखो एक 3 घंटे की बात थी ना भारत बंद की, क्या हो जाता अगर 3 घंटे से, 2 साल कोरोना में भी तो बंद रही है ना जम्मू में, कितनी कमाई कर ली थी, आगे कितनी कमाई रही है, आज बिजनेसमैन सड़कों पे है, और अभी असलियत पता चली है बिजनेसमैनों को सच की, ठीक है। जो 2014 से कर रहे थे ना हर हर मोदी घर घर मोदी, मैंने नहीं देखा भाई ऐसा मोदी, ना मुझे ऐसा पीएम चाहिए जो एक बंदा डिक्टेटरशिप चलाए और 2 परिवार को खुश रखे, अंबानी अडानी और के, आप खुद देख लो फोटोज भी वायरल होते हैं ना, पहले भी अंबानी अडानी साहब पीएम साहब से मिलते थे, कैसे मिलते थे, और आज भी देख लो कैसे मिलते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, वो एक नौकर होता है पब्लिक का, उसको पता होना चाहिए कि मैंने किसी के बंदे के साथ कैसे मिलना है, ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ मेरे साथ कोई गले मिल लेगा, हाथ मिला लेगा, ये कर लेगा, वो नहीं होता। पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी होती है जनता की सेवा करना, और जब से मोदी साहब आई है मुझे नहीं लगता जनता की सेवा हुई है, जनता का बेड़ा गर्क ही हुआ है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल जाना चाहूंगा। लगातार किसान जो है डटे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे, उनके इरादे एकदम से पुख्ता और पक्के हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं ले जाएंगे हम टस से मस नहीं होंगे। कहीं ना कहीं सरकार की अगर बात करें, जो सरकार कहती थी कि मैं लोगों के बीच में से उठ के प्रधानमंत्री बना हूँ, मैं गरीब लोगों के बीच में से यहाँ पहुँचा हूँ, आज वही किसान जिनको वो कहते हैं कि मैं आपके लिए जो है वो आपके लिए ही कर रहा हूँ, हो नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री ऐसे अचानक से गाड़ी से उतरते हैं, लोगों के बीच में चलाते हैं, बातचीत करते हैं, वही मंच वही लोग अपने वहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़कर वहाँ आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, मैं लिख के देता हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आप भरोसा करिए मेरे पे, वो चीज़ हो सकती है, शायद विश्वास आया था उनको कि प्रधानमंत्री हमारे पास पहुँचा है, या उनके मंत्रीगण जो बड़े बड़े शहरों में जाकर उन्होंने प्रचार किया कि हम जो है गलत नहीं कर रहे हैं, जो हमारे कानून है वो सही है, तो वैसा तो उनके बीच में जाके भी कह सकते थे। जाए वो किसान उनके अपने हैं, उनके बीच में जाके उनको बताते कि ये क्या इनको फायदा दे रहे हैं क्या नुकसान दे रहे हैं, उनके बीच में वो गए नहीं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह कहते हैं कि किसानों की औकात नहीं मेरे साथ बात करने की, उनकी कितनी औकात है, ये एक किसान है आपको होम मिनिस्टर बनाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है भाई, ये सरकार नहीं है, ये बिजनेसमैन है। अमित शाह और मोदी साहब गुजरात में राज करते थे, और आज पूरे दो बंदे पूरे ऑल इंडिया पर राज कर रहे हैं, ना वो बीजेपी की बात मान रहे हैं, ना वो RSS की मान रहे हैं, आप ही मीडिया वाले हो, कितने मीडिया वाले को RSS कट्टर खिलाफ हुई है मोदी साहब के, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं दोनों, अमित शाह और पीएम साहब। आप देख लो भाई अगले दिन अंबानी अडानी और ड्रग्स कट वो ट्रक पकड़ा गया, जो कितने मीडिया वालों ने बोला यार, कौन सा गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया अगर सच्चा होता तो क्यों नहीं बोला, आपने भी तो न्यूज सुनी है ना, तो हमारे जम्मू वाले मीडिया वालों ने कौन सा बोला हुआ है, शर्म आती है यार। ऐसे बड़े अच्छे मीडिया वाले भी हैं और बड़े वो भी हैं कि जो एक साइड लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कल इंसान ने यहाँ से चले जाना, महाराजा हरि सिंह भी अगर ये चीज़ सोचते तो 370 और ये वगैरह नहीं टूटती, महाराजा हरि सिंह ने भी यही सोचा था कि जम्मू के लोग शरीफ हैं, ना समझ हैं, बाहर के लोग आकर खा जाएंगे। आप मुझे एक छोटा सा सवाल दे दो, मैं सारी जनता से पूछना चाहता हूँ और मीडिया वालों से, 2014 से पहले भाई कितनी चोरी होती थी जम्मू में, आज भी न्यूज़ देख लो, कल भी देख लो, मर्डर हुआ है, डेली मर्डर होता है यार, जम्मू के लोग समझ क्यों नहीं आती भैया, और जम्मू में क्यों हो रहा है, श्रीनगर में कोई भी नहीं हो रहा है, यही बात तो मेरा सवाल है मीडिया वालों से भी और बीजेपी के 28 लीडर से,
बस रविंदर रैना साहब कहते आऊं बैठे चिंता नहीं करनी भरावा तू के चिंता नहीं करनी ना तेरी रन है ते ना पीएम साहब की रन है तो सारे डोगरी च कहावत है जिस बंदे की जनानी घर नहीं ना हो साड़ा घर नहीं चली सकता इस तू बड़ी एग्जाम्पल कोई नहीं है तो रिक्वेस्ट ही करनी है पीएम साहब ही कि तुम एक गरीब करी परिवार से उठी आए थे जनता ने साथ दिता रिक्वेस्ट है सारे अगर सारी गल बैठी है बिल वापिस करो नहीं तो कोई अल्टरनेट कड़ो जनता परेशान होवा दी है जनता परेशान होवा दी है ये आखना इतों के लोगों का लेकिन तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है अब आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं शिवसेना के लोग जहाँ पहुँचे हैं समर्थन जो है मिलना हो शुरू हो चुका है और तमाम राजनीतिक लोग भी जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और शिवसेना की अगर बात करूँ तो वो यहाँ पहुँची है उनके आप देख सकते हैं जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो वो यहाँ पहुँचे हैं और इनका समर्थन भी इनको मिल रहा है और बाकी तमाम लोग तो यहाँ पर हैं ही और अभी भी मंच से जो है लोगों को संबोधन जो है वो किया जा रहा है लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस वक्त जो है आपको जो है वो डिगाना के बाहर के दिखा रहा हूँ और तस्वीरें आप देख सकते हैं पीछे लगातार स्टेज पर जो है वो संबोधन जो है लोगों को किया जा रहा है आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं और लेकिन एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि पूरे भारत में अगर जो है इसका समर्थन इस तरीके से किया जा रहा है लोग जो है एकमत होकर इसका समर्थन कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी जो है सरकार की को भी जो है एक बार विचार जो है वो जरूर करना चाहिए और विचार विमर्श करने के बाद जो है इन बिलों को जो था वो पास करना चाहिए था लेकिन विश्वास में नहीं लिया गया। उसके बाद अब तस्वीरें आप देख सकते हैं क्या हालात हैं देश के लगा जगहों पर किसान जो है विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार जो है वो तस से मस होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया है किस तरीके से जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी भारत बंद का समर्थन जो है वो किया गया है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये कैसे देखते हैं इस भारत बंद की अगर बात करें तो यहाँ पर है सर आपसे एक चीज कहना चाहूँगा अब एक साल से ज्यादा हो गया है किसान डटे हुए हैं तीन किसान जो किसान बिल जो थे वो लाए गए थे मोदी जी की अगर मैं बात करूँ तो वो लगातार कहते हैं तमाम जब भी वो संबोधन करते हैं प्रोटोकॉल तोड़ते हैं लोगों के बीच में जाते हैं हाथ मिलाते हैं उनसे आवेदन करते हैं किसान जिनको वो अपना मानते हैं बोलते हैं कि ये हमारा अन्नदाता है क्या ऐसा नहीं हो सकता था प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के अंदर ही वो हैं बैठे हुए वहां पर जाते उनसे बातचीत करते शायद विश्वास जो टूटा हुआ है जो भरोसा नहीं हो रहा वो भरोसा हो जाता उनको। मेन बात ये है कि जब से ये आंदोलन चल रहा है 3 महीने पहले पंजाब में चला 8-9-10 महीने हो गया पूरा दिल्ली में कवर गाजीपुर बॉर्डर कुंडली आप रोज सुनते हो देखते हो पूरा मीडिया देखता है पूरा उसको कवरेज करता है उसका कुछ अपना मीडिया जो है वो कुछ नहीं दिखाता आप लोग दिखाते हो। मेन बात यह है इसमें जो काले कानून 3 जो चल रहे हैं अगर उनको वापस लिया जाए मेरा छोटा सा कहने का मतलब है गर्मी है आप मुझे बोलोगे कोट पैंट डालो मैं डालूंगा गर्मी का मौसम मुझे काटन चाहिए मुझे गर्मी जब मैं रजाई लेकर सोचा मैं सो जाऊंगा कैसे हाउ कैन इट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है। जो कानून तीनों काले कानून जो किसानों को पसंद नहीं है उनके फेवर में नहीं है हमेशा उनके नुकसान में है गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती क्यों थोप रही है। मेन कहने का मतलब यह है कि किसान जो है दैट इज द बैकबोन ऑफ द इंडिया वो रीढ़ की हड्डी है किसान जो अन्न देता है जो राशन बना के कनक चावल जो भी है हमारी कुछ देर पहले लाल बहादुर शास्त्री से 1965-66 में जब ताशकंद गए थे उन्होंने जो राशन था हमारी तरफ वो मांगने गए थे बाहर इंडिया के लिए राशन दी था अपने पास हमारे इन किसान लोगों ने उस राशन को खुद मुख्तारी करके अपने आत्मनिर्भर बनाकर अब लाखों टन राशन जो है वो बाहर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि किसान कमा रहे हैं बना रहे हैं कर रहे हैं इसकी किसान को अनदेखा करके ये गवर्नमेंट जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी आंदोलन आप सुन रहे हो कर रहे हैं वो प्यार से कर रहे हैं शांति से कर रहे हैं। पिछली वार्ता सुनी करनाल में क्या हुआ एक SDM है एक वहां का SHO है जो वहां पर मौके पर आया और किसानों को उसने ऑर्डर दिया दैट ही हैज क्लियर ऑर्डर टू द अपनी पुलिसमैन को ऑर्डर दिया कि इन हरामजादों को सर के सर फोड़ दो आपने देखा मीडिया में देखा ना दैट वाज द ऑथेंटिक प्रूफ भाई किसान को साथ क्या जुल्म हो रहा है ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। हम बार बार इस गवर्नमेंट से करते हैं ये गवर्नमेंट जो है ये इतनी नहीं रहेगी पूरे लोगों में एक रोष फैला हुआ है हम यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी से भी आप बाहर जाकर डंका बजाते हो भारत जिंदाबाद ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद तुम्हारे घर में आग लगी हुई है पहले उसको बुझाओ
पहले घर की आग जो लगी हुई है पहले उसको बजाओ, बाहर दीवा जला रहे हो जाके, उसका क्या फायदा है? बाहर बाबा लूटने से बेटर है कि आप अपने हिंदुस्तान की तरक्की देखो, अपने भाई जो उनके बच्चे, उनके माता पिता बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनके बच्चे जो बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, किनके बच्चे हैं वो? हमारे किसानों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं आर्मी में हैं सब, वो सारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डरों पर रक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसान एकता जिंदाबाद को कायम रखने के लिए, किसानों को हक है, हक मिलना चाहिए, हक लेके रहेंगे, ये हमारी हक चलता है भाई। सुना साफ तौर पर कि आप अपने घर में जो है वो पहले देखें, अपने घर को देखें, उसके बाद बाहरी देशों में जाकर आप जो है वो गुणगान गाएं, उनके वहाँ दिए जलाएं, लेकिन आपके घर के अंदर जो है वो माहौल ठीक नहीं है, लेकिन आप बाहरी देशों में जाकर जो है वो अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच तस्वीरें तो जम्मू से यही हैं जो आपको दिखाने का प्रयास किया है, किस तरीके से जम्मू के अंदर भी जम्मू के लोगों का पूरा समर्थन जो है भारत बंद का दिखाई देता हुआ सुबह से ही लगा जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और किसानों के समर्थन में ये लोग सड़कों पर हमेशा उतरे हैं। मुझे याद है वो दिन पिछले साल दिसंबर का मंथ जब पहली बार भारत बंद का आह्वान दिया गया था, उस दिन भी यही जगह थी, यही वो सड़क थी, उस समय भी यही सड़क यही लोग थे जब इन्होंने सड़कों पर उतरकर उस भारत बंद का आह्वान दिया था और कहा था कि हम जो हैं वो किसानों के साथ हैं। आज भी यही लोग हैं, यही मंच है, यही वो जगह है, यहाँ पर एक बार फिर से भारत बंद का कॉल किसानों द्वारा दिया गया और भरपूर समर्थन जो है जम्मू के लोगों ने इन्हें भी दिया है। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, आप अपनी राय और कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। फिलहाल अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं, डाइवर्जन दिया गया है, आप जो है बाईपास जो है वो निकल सकते हैं कुजवानी के रास्ते से अगर आप कहीं जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज 4 बजे तक जो है भारत बंद का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यातायात पूरी तरह से ठप है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना सिर्फ 4 बजे तक करना पड़ेगा। ये कॉल जो है वो दी गई है, और किसानों ने ये भी कहा है कि जो मेडिकल सब्जीज हैं, जिनको भी कोई दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज हैं, उनको कहीं नहीं रोका जाएगा, दुकानें खुली रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ जो दवाइयों की सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, वो दुकानें खुली रहेंगी, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जो है उनको जाने का रास्ता दिया जाएगा, किसी का इंटरव्यू है तो उसको जाने दिया जाएगा, बाकी तमाम चीज़ जो है वो ठप रहेंगी। फिलहाल जम्मू से यही अपडेट था आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। अधरोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।